मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। आज हम बात करेंगे पिलोनाइडल साइनस के बारे में। जी हाँ, ये त्वचा में एक छोटा सा छेद होता है जो आमतौर पर रीढ़ की हड्डी के अंतिम सिरे पर होता है और इसका आकार बढ़ता चला जाता है। बैक्टीरिया से संक्रमित होने पर इसमें सूजन और दर्द होता है। इसके बाद साइनस के भीतर ही मवाद से भरा फोड़ा बनने लगता है, जिससे कच्चे खून के साथ हल्का मवाद हर समय रिसता रहता है। आइए जानते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं। इस रोग से प्रभावित हिस्से की त्वचा पर छोटे से धसाव के रूप में महसूस किया जा सकता है। जब साइनस संक्रमित हो जाता है तो इसमें सूजन आती है और दर्द, त्वचा पर लालिमा, साइनस से मवाद या रक्त निकलने और बुखार जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। बात करें अगर इसके होने के कारण की, तो इसके कारणों का अब तक पता चल नहीं पाया है, लेकिन आम राय ये है कि जब टूटा हुआ बाल त्वचा के अंदर चला जाता है तो उस वजह से ये रोग हो जाता है। कुछ लोगों को जन्म से ही मामूली दोष होता है, जिसके कारण उनके नितंबों के बीच की त्वचा कुछ हद तक धस जाती है और इसके कारण टूटा हुआ बाल त्वचा के अंदर आसानी से चला जाता है और इससे रोग की शुरुआत होती है। इसके अलावा कुछ लोगों को आदत होती है ऐसी जगह को बार बार छूने की, छेड़ने की, तो बहुत ज़्यादा छूने की वजह से उस जगह पर इन्फेक्शन भी हो जाता है, जिसकी वजह से ये बीमारी बढ़ भी जाती है। बात करेंगे साइनस का जोखिम बढ़ाने वाले कारक आखिर कौन से हैं। दरअसल मोटापा, शरीर पर औसत से ज़्यादा बालों का होना, फैमिली हिस्ट्री इसके कारक होते हैं। इसके अलावा लंबे वक्त तक ड्राइविंग करने या बैठे रहने से भी इसका जोखिम बढ़ जाता है। बात करेंगे अब इसके इलाज की। अगर पिलोनाइडल साइनस के भीतर संक्रमण हो तो साइनस को खोलने और मवाद, बैक्टीरिया व पदार्थों को निकालने के लिए ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें सर्जन त्वचा के प्रभावित हिस्से को काट देते हैं और टाके की मदद से घाव को सिलते हैं। इस तकनीक से घाव को काफ़ी जल्दी ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा ये बेहद ज़रूरी है कि ऑपरेशन के बाद घाव की जगह को साफ रखा जाए, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम आपको दोबारा बिल्कुल ना हो। तो आज हमने आपको बताया पिलोनाइडल साइनस क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं, कारक क्या होते हैं, और साथ ही साथ हमने आपको इसका इलाज भी बताया। उम्मीद करते हैं पिलोनाइडल साइनस से जुड़ी ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसी ही किसी विशेष जानकारी के साथ। फिलहाल अभी के लिए बोल्ड स्काई में बस इतना ही।